हाथरस के सिकंदर राव के रामलीला मैदान में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। वे गठबंधन प्रत्याशी रामजीलाल सुमन के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अखिलेश ने कहा कि भाजपा गठबंधन से घबराई गई है, इसलिए भाजपा नेताओं को रात में नींद नहीं आ रही है। भाजपा नेता रथ जगा कर रहे हैं। भाजपा का संकल्प पत्र नहीं है बल्कि धोखे का पत्र है। 2014 में भाजपा ने जो वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं किए हैं, इसलिए यह तो संभव ही नहीं है कि भाजपा 2019 के वादे को पूरा करेगी। बहुजन समाज पार्टी, आरएलडी, सबका गठबंधन है, सबका सहयोग है और इसी गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। भारतीय जनता पार्टी इतनी घबरा गई है कि अब रात में 3 बजे तक उन्हें नींद नहीं आ रही है, तो सुबह क्या प्रचार कर पाते होंगे सोचो आप। और जो रात में 3 बजे तक जगते होंगे तो सोचो सुबह कितने बजे उठ पाते होंगे। और जो दिन में प्रचार करता है ज्यादा, जो दिन में प्रचार करेगा अगर जाट समाधि कर लेगा तो 11 बजे से पहले उसकी आंख बंद हो जाएगी, सो जाएगा। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के लोगों को रात में नींद क्यों नहीं आ रही है? रात में नींद इसलिए नहीं आ रही है, ये महागठबंधन महामिलावट नहीं है, ये महागठबंधन महापरिवर्तन की आवाज दे रहा है और ये उत्तर प्रदेश से आवाज निकली है। और दावा किया कि हमारी उपलब्धि है कि हमने कांवड़ यात्रा निकाली है, हमने नौजवानों को कांवड़ यात्रा में भेजा है। ये उपलब्धि सरकार बता रही है, मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं। बर्बाद हो गया किसान, नोटबंदी से बर्बाद हुआ। बताओ नोटबंदी का कोई उपलब्धि हो तो बता दो हमें, उपलब्धि हो नोटबंदी की तो हमें बताएं, नोटबंदी की उपलब्धि हो तो बताएं हमें दादा, नोटबंदी की उपलब्धि हो तो बताएं। अब कोई उपलब्धि उन्होंने के सामने आई हो दादा, हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, काला धन खत्म कर देंगे। जितना काला धन खत्म हुआ बताओ, काला धन बढ़ गया है, काला धन खत्म नहीं हुआ, काला धन बढ़ा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, हमारे किसान की आय नहीं बढ़ पाई। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए TV30 इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।